अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि शुगर लेवल कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और उसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है, तो पिछले बयान में हमने देखा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक टर्म था जो कि आजकल के दौर में साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टर्म है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो आज के बयान में हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को गहराई में उतर कर जानेंगे कि आखिर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है और इससे ओवरकम कैसे हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो भी ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल जो सडन चेंज आ रहा है, सडन राइज हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो इसको अगर हमको ओवरकम करना है, कंट्रोल करना है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना होगा। तो पिछले बयान में मैंने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का टर्म यूज़ किया था, तो आज हम उसको गहराई में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या वाकई मेडिटेशंस के थ्रू हम उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। फिर एक टर्म आता है प्लेसिबो इफेक्ट, जो कि साइंटिफिकली आज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टर्म है मेडिकल के अंदर, तो वो प्लेसिबो इफेक्ट हमारे शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल कर सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जैसे ही आपके दिमाग पर, जहन पर तनाव आने लगता है, तो आपकी बॉडी यानी आपके अंदर जो भी हार्मोनिकल चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो उसकी जो वजह है वो फ्री रेडिकल्स है। स्ट्रेस आने की वजह से जो फ्री रेडिकल्स है, तो जैसे आपको ये चीज पता है कि आपके जिस्म के अंदर जो भी सेल्स होते हैं उनको ग्लूकोज यानी एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो जो सेल्स है वो ब्लड में से वो ग्लूकोज एनर्जी को लेता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से जो सेल्स है ग्लूकोज लेगा ब्लड से तो वो बाहर ही चिपक जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं कि पैड मॉलिक्यूल होते हैं, सेटल्ड मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के दो पैर होते हैं मॉलिक्यूल के, तो वो सेटल्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन पैर क्या हो जाते हैं, अनसेटल्ड हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसेटल्ड मॉलिक्यूल कहते हैं। तो वो अनसेटल्ड मॉलिक्यूल की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनिकल चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, हिट करता है, यानी हाई होने लगता है, सडन चेंज होता है। एक तो ये गहरी वजह बताई गई है, वो कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये तनाव की वजह से पैदा हो रहा है। तनाव की वजह से वो फ्री रेडिकल्स क्या हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पैर को इम्बैलेंस कर रहे हैं, और यही इलेक्ट्रॉन पैर अपने आप को कंप्लीट करने के लिए जिस्म के अंदर दूसरे सेल से वो एक इलेक्ट्रॉन पैर ले लेता है, तो उस तरफ क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पैर वो इनकम्प्लीट रहता है, फिर वहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यानी क्या होता है, ये प्रोसेस पूरी जिस्म के अंदर चलता रहता है, जैसे ही आपके अंदर तनाव आता है, तो इसीलिए कहा गया है मेडिकल टर्म्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो हमको इस पर ध्यान देना है, तनाव पर, हमारे दिमाग पर, हमारे जहन पर, दिन भर यानी लाइफस्टाइल जो भी हो रही है उसके अंदर हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो उसका एक जो सिंपल जो तरीका है वो है, हमको एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। अब ये एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है बॉडी में, तो ये जो फ्री रेडिकल्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर जो इम्बैलेंस हो गए थे, अनसेटल्ड हो गए थे मॉलिक्यूल्स, तो ये एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में खाने से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो इनकम्प्लीट था वो उसको पूरा कर देता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको डार्क वेजिटेबल्स में मिलेंगे, जो कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, कलरफुल फ्रूट्स है, कलरफुल मीट है, आपको उससे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। तो ये तो आपकी डाइट के अंदर क्या इन्वॉल्व कर सकते हो, उससे क्या होगा कि एंटीऑक्सीडेंट जनरेट होगा, और वो जो इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल है, वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, सडन हिट नहीं करेगा, यानी सडन चेंज नहीं होगा, आपके हार्मोनिकल हार्मोन्स के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे।
एक तो ये हो गया, अब आइए हम दूसरी बात करते हैं, क्या वाकई मेडिटेशन के थ्रू, जिसको हम उर्दू में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो उसके एक मानी जिक्र के भी निकलते हैं और एक मानी मुराकबे के भी निकलते हैं, जो सूफीज्म के अंदर एक ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है मुराकबा, जिसको हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके एक मीनिंग ये निकल कर आते हैं मेडिटेशन। वैसे तो मेडिटेशंस की कई किस्में हैं, तो आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई मेडिटेशन के थ्रू इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो गया तो आपके अंदर हार्मोनिकल चेंजेस क्या होंगे, नहीं होंगे, और उसकी वजह से शुगर लेवल सडन चेंज नहीं होगा। बिकॉज हमको करना क्या है, अपने शुगर लेवल को मेंटेन करना है, चाहे वो डाइट के थ्रू हो चाहे वो लाइफस्टाइल के थ्रू हो। तो इन शॉर्ट हमको अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना है वो जानने की कोशिश करनी है। तो मेडिटेशन के लिए आप मेरे जो मेंटोर है हजरत मारूफ पीर, उनके कई यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मुराकबे शुक्र। तो इन्होंने इसमें इस मुराकबे की, इस जिक्र की, इस मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को बयान किया हुआ है, तो मुझे उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वाकई इस मेडिटेशन के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो लेक्चर को सुन सकते हैं। फिर एक अल्फा मुराकबा करके है, अल्फा मेडिटेशन, उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या असरात हैं बॉडी पे, आप वो देख सकते हैं। फिर जैसे कि हमारे जो खलीफा भाई हैं निज़ामी पीर, इनके भी यूट्यूब लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, द राइट वे टू प्रैक्टिस जिक्र, यानी जिक्र कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, उन्होंने डिटेल में इसकी तफसील बयान की है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, सीक्रेट ऑफ मेडिटेशन पर इन्होंने लेक्चर दिया हुआ है। तो आप इन तमाम जो भी टर्म्स रिलेटेड टू मेडिटेशन है वो इन बयान से हासिल कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा गहराई में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके के मेडिटेशन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि हम अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकें। तो ये तो हो गया मेडिटेशन वाला पार्ट। अब एक मेडिकल टर्म्स में जो रीसेंट 18वीं सदी में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है वो है प्लासिबो इफेक्ट। तो ये प्लासिबो इफेक्ट क्या है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड को हम जान लेते हैं। तो ये जो है 5वीं सदी के अंदर बाइबल के अंदर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है प्लासिबो इफेक्ट। इसके जो मानी है, प्लासिबो के मानी है कि अल्लाह ताला को खुश करना। क्या करना, अल्लाह ताला को, अपने आप को खुश करना, उसको राजी करना, इसके मानी निकलते हैं। बाइबल के अंदर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है प्लासिबो। 18वीं सदी के अंदर साइंस ने जब ज्यादा उस पर गहराई पर जाकर देखा तो इस टर्म को एडॉप्ट किया और उसका नाम रखा प्लासिबो इफेक्ट। तो ये जो प्लासिबो इफेक्ट है, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि ये एक तरीके की ड्रग है, मेडिसिन है, लेकिन ये एक्चुअली मेडिसिन नहीं है, जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। ये एक पिल्स होता है शुगर के फॉर्म में, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो, चाहे पिल्स के फॉर्म में हो, चाहे पाउडर के फॉर्म में हो। तो ये एक पिल्स होती है, जैसे हम इसको मीठी गोली कह सकते हैं। उसके अंदर होता क्या है, सिर्फ शुगर होता है। वो टेबलेट के फॉर्म में भी हो सकती है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकती है। तो कई एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर कई किए जा चुके हैं और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। जैसे अभी देखिए नाउअडेज क्या हो रहा है कि कोरोना का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी इंसान की बॉडी पर, जिस्म पर पड़ रहा है, कि सुबह उठते साथ वो क्या कर रहा है कि न्यूज़ चैनल लगा रहे हैं, तो न्यूज़ चैनल का देखते साथ उसके जिस्म पे वो असरात पड़ रहे हैं। अभी देखिए अगर कोई इंसान को छींक आ रही है, सर्दी आ गई, इस सिचुएशन के अंदर खांसी ज़्यादा आ गई, तो उसका जो ब्रेन है वो फौरन किधर लेकर जाता है उसको, तो वो उस बीमारी की तरफ लेके जाता है कि कहीं मुझको ये बीमारी तो ना हो जाए। तो हो क्या रहा है कि आपका दिमाग जो है कमांडिंग कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्मोनिकल चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, कॉर्टिसोल पैदा हो रहा है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बयान किया था कि कॉर्टिसोल की मात्रा अगर बढ़ गई तो आपका क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल जिगर लीवर से जनरेट होने वाला, प्रोड्यूस होने वाला एक हार्मोन है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका शुगर लेवल शूट होगा। तो इसी तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है कि ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये क्या है। तो जैसे एक बुजुर्ग का वाक्या है कि एक बुजुर्ग हक की तलाश में सफ़र में थे कई सालों से, तो वो चलते चलते सुबह से शाम हो गए, थक गए, थकने के बाद आपने खाना तनावल फरमाया, फिर उसके बाद आप और सफर की तरफ निकल गए, चलते 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 यहाँ तक रात हो गई,
और एक सहरा जंगल के अंदर आपने आराम फरमाया, तो आप आराम फरमाते हैं तो आपने क्या देखा कि आपके हाथ में एक प्याला है, उस प्याले के अंदर पानी है, तो वो पानी को आपने पी लिया, क्योंकि भूख थकान और प्यास की शिद्दत, तो आपके हाथ में उस वक्त एक प्याला का, आपने उस पानी को पी लिया। सुबह उठकर आप जब देखते हैं तो उस प्याले के अंदर क्या था, तो वो प्याला नहीं था बल्कि एक कंकाल था, एक इंसान की खोपड़ी थी, उस खोपड़ी के अंदर वो खून था। क्या था? उस खोपड़ी के अंदर वो खून था, जबकि पानी नहीं था, लेकिन रात का अंधेरा उनको ये लगा कि ये पानी है, उन्होंने पी लिया। और उन दिन में उठने के बाद जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि ये खोपड़ी है और इसमें खून है, तो उन्होंने, उनके जिस्म ने, उनके दिमाग ने कोई हार्मोन जनरेट नहीं किया, जिसको हम नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कोई नेगेटिव हार्मोन जनरेट नहीं किया, ना उन्होंने उल्टी किया, ना आप बीमार हो गए, बल्कि उसके बाद ही आप बोध हो गए, प्राप्त हो गए, आपको इनलाइटमेंट हो गया उसी वाक्य के बाद। तो ये क्या हुआ, ये इनलाइटमेंट क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसको पॉजिटिवली लिया, आपने उसको पानी समझा, जबकि वो क्या था, वो खून था। तो आपका एक इंटरनल सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है, जो भी आप कमांड करते हो आपकी बॉडी कम्युनिकेट करती है, वो मैसेज को ट्रांसफर करती है, बाकायदा हर एक बॉडी के जो पार्ट्स है वो सुनते हैं आपकी बातों को, चाहे आप उसको जबान से कहो, चाहे आप बंद जबान कहो, बंद लफ्जों में कहो, लेकिन आपके जो जिस्म के आजा है वो उसको सुनते हैं और उस हिसाब से हार्मोन्स जनरेट करते हैं। तो एक नोसिबो इफेक्ट, जो प्लासिबो का अपोजिट है, जिसके मुजिर असरात भी हो सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि कॉर्टिसोल का हार्मोन जनरेट होता है, और मैंने कॉर्टिसोल के बारे में अभी बताया मैंने कि जिसकी वजह से शुगर क्या हो सकता है, ओवरशूट कर सकता है शुगर, फिर पेन पेन जो है वो इंक्रीज हो सकता है। लेकिन प्लासिबो इफेक्ट में यहाँ तक देखा गया है, प्लासिबो इफेक्ट के अंदर यहाँ तक चीज देखी गई है कि एक तरीके का हार्मोन जनरेट होता है जो पेन किलर का काम करता है, जिसको एंडोफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोफिन। अभी आप देखिए, कोई पेन किलर की गोली लीजिए, आप उसका कंटेंट चीख कीजिए, तो उसमें आपको एंडोफिन नामी मॉलिक्यूल जरूर मिलेगा, वो केमिकल जरूर मिलेगा आपको। तो ये एंडोफिन क्या करता है? ये पेन किलर का काम करता है। तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट साइंस के अंदर हो चुके हैं जिसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो उसमें एक गोली दी जाती है जो शुगर के पिल्स होते हैं, पेशेंट को ये नहीं पता होता है कि इसका कंटेंट क्या है, पेशेंट को ये पता है कि ये दवा है, इसके अगर जिस्म में बीमारी है या अगर पेन है, बहुत ज्यादा शिद्दत का पेन है, तो उसको डॉक्टर ने क्या किया, एक सिंपल पिल्स दिया शुगर का, जिसको हम प्लेसिबो कहते हैं। तो उसका इफेक्ट ये निकला कि एंडोर्फिन नामी जो केमिकल है, जो हार्मोन्स है, वो जनरेट होते हुए नजर आया उसके अंदर, और उसका पेन बाकायदा क्या हुआ, उसके पेन में उसको रिलीफ महसूस हुआ, वो पेन डिक्रीज हुआ। तो ये हो गया प्लेसिबो इफेक्ट। तो मैं ये प्लेसिबो इफेक्ट आपको क्यों बयान कर रहा हूं, ताकि हम इसको अपनी जाती जिंदगी के अंदर, इस नर्वस सिस्टम को, जिसको हम कुव्वत इरादा भी कहते हैं, जिसको हम अरबी के टर्म में कुन फयाकुन भी कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कायनात को पैदा किया तो कुरान का स्टेटमेंट है, क्या कहा अल्लाह ने, कहा कुन यानी हो जा, तो फयाकुन यानी हो गया। तो अल्लाह ने दिया क्या, एक कमांड है ना, क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, कुन जो है मेरे अमर में से है, क्या है, अल्लाह ने कुन को अपनी तरफ मुखातिब होते कहा कि कुन मेरे अमर में से, अमर का मतलब होता है हुक्म, तो उसने हुक्म दिया ना, एक कमांडिंग हुई ना, वो कमांडिंग में कम्युनिकेशन हुई, वो कम्युनिकेशन मैसेजेस पहुंचे जहां पहुंचना था, उसका एक रिजल्ट आया। तो इसी तरीके से जब हम अपने जिस्म के अंदर, अपने नर्वस सिस्टम के अंदर, अपने कुव्वते इरादे को अगर हम मजबूत कर लेते तो ये प्लेसिबो इफेक्ट काम कर सकते हैं, और इसके कई ऑप्शंस मौजूद हैं। ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज तो मस्ट है, डाइट को कंट्रोल करना, मेंटेन करना मस्ट है, और उसके अलावा मैंने दो चीजें एक्सप्लेन की आज, एक तो हो गया मेडिटेशन, और उसके मेडिटेशन के ताल्लुक से मैंने काफी यूट्यूब पे बयानात भी दिया, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक भी दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस बयानात को, उस लेक्चर को सुन सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लेसिबो इफेक्ट भी काम कर रहा है, मेडिकेशन भी काम कर रहा है, मेडिटेशन भी काम कर रहा है,
तो अगर इन ओवरऑल चीजों पे हम वर्कआउट करते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम अपनी बीमारियों को, ना कि सिर्फ शुगर को, यानी आने वाली बीमारियों को पहले ही उसको अपने जिस्म से रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज याद रखना, ये जो बीमारी है ये सबसे आखिर में जिस्म पर आती है, सबसे आखिर में उसके असरात जिस्म पर आते हैं, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि कुछ तो हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका दांत, आपका सर, आपका पेट, आपका नर्वस सिस्टम के अंदर कोई खराबी आ रही है, तो ये उसकी सिग्नल्स है, ये उसके सेंसर्स है जो आपको बता रहे हैं कि मेरा सर दुख रहा है। तो ये जिस्म पे अप्लाई होने के बाद पता चला। लेकिन सबसे पहले बीमारी आती कहाँ पे? तो सबसे पहले जो बीमारी आती है वो रूह पर आती है। किस पर आती है? रूहानियत पर आती है। वो रूहानियत पर अटैक करती है। इसलिए आपने सुना होगा कुव्वते मुदाफियत, कुव्वते मुदाफियत, इम्यून सिस्टम जिसको हम कहते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम किससे ताल्लुक रखता है? आपके जिस्म से भी ताल्लुक रखता है और आपकी रूह से भी ताल्लुक रखता है। और इस मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी रूह को, आपके आपके जो रूहानियत का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग कर सकते हैं। अब ये रूहानियत का इम्यून सिस्टम क्या होता है तो उस लेक्चर्स में आप बाकायदा सुन सकते हैं। तो मेरा बयान करने का मकसद सिर्फ यही है कि इंशाअल्लाह ये बयान आपको फायदा देगा, जिससे आप अपने शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं इंशाअल्लाह, अगर आपने इसको फॉलो किया था। तो मेरी दुआ है रब्बे कदीर से कि मौला हमें सेहत याबी अता करे। आमीन। वमा अलैना व इल्लल बलाग।